वेलकम बैक गाइस। यूट्यूब पर एक रिसेंट मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था यूट्यूब का जो नया अपडेट आया उससे जो आपके चैनल पर व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स दोनों बढ़ने वाले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो गाइस वीडियो में बताने वाला किस तरह से जो आप एक अट्रैक्टिव कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी चैनल पर जो व्यूज लाएगी, सब्सक्राइबर्स लाएगी, दोनों चीज़ों को लाएगी, ओवरऑल जो आपका चैनल जो ग्रो करेगा। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान तरीका। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। ऑलराइट, उसके लिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन पर। तो गाइस सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन में जो पिक्सल ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले जब जैसे ही आप पिक्सल ऐप को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस साइज में आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, अब फिर भी अगर इस साइज में आपको नहीं मिल रहा तो आप जो थ्री डॉट पे क्लिक करके, जो थ्री डॉट हैं कॉर्नर पे, इस पे क्लिक करके उसका इमेज का जो साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं इमेज साइज पे जाएंगे, देन कस्टम के जस्ट नीचे यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं इसका जो कलर चेंज करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव हमें बनाना है, तो यहाँ पर कोई सा भी कलर आप चूज़ कर लेना जैसा आप चाहें। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर चूज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, और जो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा है फिलहाल इसको कर देते हैं यहाँ पर डिलीट। ऑलराइट, ओके, नाउ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एक इमेज ऐड करूँगा जो कि यहाँ पर मैंने एक थंबनेल बनाया था, जिस वीडियो को प्रमोट करना था उस थंबनेल का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। सेलेक्ट मैंने इसको कर लिया है और ये इमेज है जो कि थंबनेल है। ऑलराइट, इसको थोड़ा ड्रैग करके जो इसको बराबर फिट कर देंगे और इसको यहाँ पर मैं सेंटर में रखने वाला हूँ, ना ऊपर रखूँगा ना बिल्कुल ना नीचे रखूँगा, ताकि ऊपर नीचे दोनों साइड, ऊपर और नीचे की साइड में कुछ चीज़ें ऐड कर सकूँ, कुछ लिखना हो, आइकन लगाना हो। ऑलराइट, तो फिलहाल यहाँ पर ये इसको प्रॉपर एडजस्ट कर देते हैं जितने तरीके से हो सकता है। ऑलराइट, आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। गाइस टेक्स्ट में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो इस इमेज पे या फिर इस लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉच दिस वंडरफुल वीडियो। ऑलराइट, ओके कर देते हैं फिलहाल इसको। ओके, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं और फिलहाल मैं इसका यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट स्टाइल। ऑलराइट, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ अमरनाथ पोल्ड। ऑलराइट, फिलहाल मुझे किसी चीज़ की कमी लग रही है, एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, इसमें एक आइकन ऐड कर देता हूँ जो फिंगर वाला होता है जो इशारा करता है लिंक की तरफ। इसमें लिंक भी ऐड करने वाले हैं ना हम जब पोस्ट क्रिएट करेंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ऑलराइट, फिलहाल गाइज हमारा जो यहाँ पर जो पोस्ट के लिए इमेज क्रिएट करनी थी, फोटो क्रिएट करनी थी, वो हो चुकी है। और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक क्लिक वेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एक आइकन का जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग बाग, और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, काफ़ी बड़ा है साइज ये, और आई थिंक ये काफ़ी रहेगा। ऑलराइट, और सिंपली क्या करना है गाइस, मेमोरी कार्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इस पर जाकर सेव एज इमेज कर देंगे एंड नीचे की तरफ सेव टू गैलरी करेंगे, और यहाँ पर जो हमारी इमेज जो सेव हो चुकी है जो हमने पोस्ट के लिए क्रिएट करी है। और सिंपली क्या करना, YouTube पर जाकर पोस्ट क्रिएट कर देनी है। ऑलराइट, आप चाहे तो गाइस इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बैकग्राउंड किस तरह का रखना है और जो जहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड किया था वहाँ पर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ताकि जो आपकी जो पोस्ट का इंप्रेशन किसी के पास जाए वो उस पर जरूर क्लिक करें। ऑलराइट, तो फटाफट से यहाँ पर YouTube ऐप ओपन कर लिया है और नीचे की तरफ यहाँ पर जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे उस पर क्लिक करें नीचे की तरफ ऑप्शन है क्रिएट ए पोस्ट, उस पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए कह रहा है, उससे पहले मैं यहाँ पर जो इमेज ऐड कर लेता हूँ जो फिलहाल क्रिएट की है। गाइस टोटल यहाँ पर आप 5 इमेज ऐड कर सकते हैं, मैंने एक कर ली और फिलहाल यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देता हूँ यह है वीडियो नहीं देखी है तो देखें। तो गाइस इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे आपकी ऑडियंस जो आपके इस लिंक पर क्लिक करें, हालांकि वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए, ज़्यादा थोड़ा बनावट या ऐसा ना हो कि YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस उसको वो करें। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने लिंक भी पेस्ट कर दिया, 2 बार लिंक पेस्ट कर दिया जिस वीडियो को मुझे यहाँ पर प्रमोट करना है, और सिंपली पोस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर जो हमारी पोस्ट जो क्रिएट हो जाएगी कुछ ही सेकंड में, 2 से 3 सेकंड के अंदर ये क्रिएट हो जाएगी। ऑलराइट, तो पोस्ट क्रिएटेड लिखा आ चुका है और सिंपली मैं जाकर दिखा देता हूँ किस तरह से जो पोस्ट क्रिएट हुई। यूर चैनल पर जाएंगे और जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे जो टैब आती है। ऑलराइट, तो फिलहाल गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट क्रिएट हो चुकी है किस तरह की ये नज़र आने वाली, इस तरह की नज़र आने वाली। आप चाहे तो स्टार्टिंग वाला टेक्स्ट ना भी लिखें जिससे कि आप सीधा सीधा लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर बिना इमेज के भी यहाँ पर जो कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं।
ऑलराइट। तो गाइस इस तरह से जो आप कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं, गाइस कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए कम से कम आपके यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होने ही होने चाहिए, तभी जाकर आप जो कम्युनिटी पोस्ट कर पाएंगे। और कम्युनिटी पोस्ट का एडवांटेज है वो क्या है, वो मैंने अभी रिसेंट की वीडियो में बताया भी था, जिसमें एक न्यू अपडेट आया, वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो गाइस इस तरह से जो आप एक कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और जो यहाँ पर मैंने थंबनेल बनाया था, थंबनेल यूज़ किया था वीडियो का, वो किस तरह से बना सकते हैं उसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ऑलराइट, सो गाइस वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, यूट्यूब में इंटरेस्टेड हो। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।